हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड टुडे इज 2nd ऑफ मार्च एंड वेलकम टू द व्लॉग। थोड़ा थोड़ा एक्सेंट आ रहा है गाइस। बीवी चाय पी रही है, मैं भी चाय पी रहा हूँ और अभी हम सुबह उठते ही जाएंगे सबसे पहले फर्नीचर यार्ड, क्योंकि हमें चाहिए परांडा चेयर्स और हमें चाहिए एक कंप्यूटर टेबल, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर तो तीन है और कंप्यूटर टेबल के नाम पर बस एक यही है, तो हम बड़ी वाली कंप्यूटर टेबल लेके आएंगे। फिर हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मेक ओवर कर दें, इस रूम के सामान को उस रूम में शिफ्ट कर दें, उस रूम के सामान को इस रूम में शिफ्ट कर दें, क्योंकि हम बहुत खाली हैं। तो देखते हैं अभी, बट पहले एक बार थोड़ा सा फर्नीचर इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ जाके जो सबसे बेस्ट चीज़ होगी वो लेके आएंगे, क्योंकि वो तो हमें फ्री में मिलनी है। यस यस, कल बताया था ना गाइस, सरकारी बटे हो। नाइस। अच्छा, जो लोग थोड़ा सा मतलब ऐसे हैं जिनको हरियाणवी नहीं पसंद, या पसंद क्या मतलब, जिनको लगता है ये तो मम्मी को बता दो, मम्मी इसमें इतनी चाय नहीं है, ये इल्यूजन है, ज्यादा लगती है। मम्मी व्लॉग देख रही है, मम्मी नमस्ते। भाई तो मैं ये मत करवाओ यार। ठीक है, हाँ तो भाई जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हरियाणवी में क्या बोल रहे हो तुम, तो बटेव का मतलब होता है दामाद। ठीक है। चलो भाई, ओके बाय बाय। तो भाई अभी तुम कुछ मत कह, अभी हम जा रहे हैं फर्नीचर यार्ड। ये देख लो भाई, कितनी तेज गाड़ी चलाती है भाई ये। बस हमारे घर से बिल्कुल सामने जाओ, फर्नीचर यार्ड आ जाता है। ये रहा गाइस फर्नीचर यार्ड, यहाँ से हम लेके आएंगे फ्री का फर्नीचर। फ्री का नहीं है तो कुछ साल का लगता है, 100-200 रुपए चार्ज। ओके, बीच-बीच में हरियाणवी लेसंस भी देता रहूंगा। बरगा मतलब जैसा। ओके गाइस, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस जा रहे हैं, क्योंकि काम कुछ हुआ नहीं, बेफालतू में 500 मीटर का पेट्रोल वेस्ट हुआ। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, इतना चिंदी नहीं हूँ यार मैं। तो भाई फर्नीचर हम बुक करवाए है, मंडे को आ जाएगा, दिखा दूंगा। और मैं जानबूझ के सीट बेल्ट नहीं लगा रहा, तो ये पी 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 तुम भी सुन लो। बस ये पी 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 है यार, टन 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 है, टन टन पी पी पी। फिगर आउट गाइस, फिगर आउट। एक चीज तो मैंने नोट कर ली, जिस दिन घरवाली घर पे रह जाए उस दिन छुट्टी, और उस दिन तुम भी घर पे ही रह जाओ तो मजाल है भाई साहब तुम्हारी, मतलब जिंदगी चैनमयी कैसे कट जाए। अच्छा भला फ्रिज जो यहाँ आया अभी, ये किचन के अंदर रखा था, बढ़िया, वहाँ पे भी खुल रहा था, यहाँ पे भी खुल रहा है, पर जस्ट फॉर अ चेंज इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। ठीक है जी, अब कोई आ गया भाई, झुकेगा अरे भाई, तो कटी जमीन में पड़ी है, तू क्यों नहीं झुकेगी। यार इसने पता ही नहीं, कुछ तो इंस्टाग्राम पे देख लिया था, लोटपोट होकर हंसे ही जा रही थी। खैर ये तो उड़ जाएगी, लेकिन इसके बाद मैंने प्राइस कैलकुलेटर के ऊपर काम किया और उसके बाद मैं मार्कअप और मार्जिन समझा ही रहा था, तो मेरे को आइडिया आया क्यों ना रील बनाई जाए। उसके ऊपर मैंने वो रील बनाई जो आप लोगों ने रिसेंटली देखी, तो उसका अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो उस वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। अभी हम लोग जब प्राइसिंग की बात कर रहे थे तो मेरे को लगा यार एक चीज़ और है जो आप लोग को समझनी चाहिए इस पूरे सिनेरियो में, कि MRP जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट लगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज करो आप कोई नया बिजनेस करने वाले हो, तो आपके पास कहीं से आप कुछ सामान खरीदोगे और कहीं उस सामान को बेचोगे, बीच में आप अपना मार्जिन कमाओगे जो कि होगा प्रॉफिट, क्योंकि आप एक सामान को सस्ते में खरीद के उसको महंगे में बेचोगे ऑब्वियसली। तो जो है महंगे में बेचना है, ये कितने महंगे में बेचना है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वही आपका प्रॉफिट मार्जिन आपका आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज ये 80 रुपये का पेन है जो आप खरीद रहे हो, या आपकी खरीद है 80 रुपये की, और आप इसको बेचना चाहते हो मार्केट में 50% का मार्जिन रख के, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में ये आएगा यार सीधी सी बात है 80 के ऊपर 50% का मार्जिन लगाएंगे, 40 रुपये बना, आपने 80 में 40 जोड़े, 120 बना, 120 में इसको बेच दो, और आपका आपको लगेगा ऐसा कि भाई मैंने इसके ऊपर 50% का मार्जिन रख के इसको बेच दिया और मेरा 50% मार्जिन बच गया, जो कि बिल्कुल गलत है। दो चीजें होती हैं, एक होता है मार्कअप, एक होता है मार्जिन। जब आपने इसकी वैल्यू को 80 से 120 किया,
तो जो आपने परसेंट जिस परसेंटेज के हिसाब से इसको 80 से 120 किया, दैट इज कॉल्ड द मार्कअप परसेंटेज। आपने जो 50% इसके ऊपर रखा, दैट इज कॉल्ड द मार्कअप। वो आपने कोई मार्जिन नहीं रखा अपना, वो आपने मार्कअप रखा। मार्जिन अलग चीज है। मार्जिन पता होना जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम इंडिया में या कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करते हैं तो एमआरपी जो हमने सेट की है, बहुत कम ऐसा होगा कि आपका प्रोडक्ट एमआरपी पे ही बिके, उसमें से लोग डिस्काउंट मांगेंगे। सपोज अब आपने इसको 80 से लेके 120 कर दिया, 50% का आपने मार्कअप लगा दिया, लेकिन आपने अपनी तरफ से वो मार्जिन रखा है, मैंने तो अपना 50% का मार्जिन रख लिया जी। अब कोई बंदा आता है जो आपका जानकार है, वो बोलता है कि यार ठीक है इस पेन को मैं खरीदूंगा तुमसे, पर मेरे को डिस्काउंट दे दो। तुम्हें मन मन में क्या लगेगा कि तेरा तो 50% का मार्जिन है भाई, तो इसको 30% के मार्जिन पे या 20% के मार्जिन पे दे दे, मतलब 20% डिस्काउंट करके दे दो। अब ये ध्यान रखो कि वो जो डिस्काउंट होगा वो 120 जो वैल्यू है उस पे होगा। 120 वैल्यू पे अगर तुम 20% डिस्काउंट कर दोगे, 24 रुपये चले गए तुम्हारे, ठीक है जी। अब आपको लगेगा कि 30% तो फिर भी बच गया, नहीं होता ऐसा। तो यही जो टर्म है मार्कअप और मार्जिन, इन दोनों में डिफरेंस है। जो आपने इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, दैट इज कॉल्ड द मार्कअप। लेकिन मार्जिन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो ये टर्म समझो, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो आपका ये पेन है जो आपने 80 रुपए में खरीदा, वो 80 रुपए आपकी COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। आपने इसको 120 में बेचा, वो है आपकी सेलिंग प्राइस 120। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। एक टाइप से कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका 40 रुपए आ गया। अब जो प्रॉफिट है 40 रुपए को, और जो मार्कअप और मार्जिन है दोनों ही परसेंटेजेस है, ये कोई पैसा या अमाउंट नहीं है, ये परसेंटेजेस है। 40 रुपए को अगर आप डिवाइड करते हो आपके टोटल रेवेन्यू से जो आपने कमाया, 40 बाय 120, वो निकल के आता है आपका प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है जी। 40 रुपए बाय 120 आप करते हो तो 33% का आपको मार्जिन मिलता है। तो एक्चुअल में आपने जो मार्कअप सोच के किया था 50% का, वो एक्चुअल में 33.33% का आपका प्रॉफिट मार्जिन था बस। जब इस रेवेन्यू को, जो टोटल रेवेन्यू सॉरी जो टोटल आपका ग्रॉस मार्जिन है 40 रुपए, इस ग्रॉस को, ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस मार्जिन नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर आप डिवाइड करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स से, तो निकल के आएगा आपका मार्कअप। तो इस वजह से अगर आप सोचते हो कि मेरे को एक प्रोडक्ट के ऊपर 33% का प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस आपको 50% से बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्कअप आपको 25% का लगाना पड़ेगा। 80 120 बन गया, उसमें दो परसेंटेजेस निकल के आई हमारे पास, एक आई मार्कअप, एक आई मार्जिन। मार्कअप था 50%, जिससे वो 80 से 120 बना। मार्जिन था 33.33% का, जिससे वो 120 से 33.33% घटाओगे तो आपके पास 80 रुपए बचेंगे। तो आप ये सोचो कि आपके पास 33.33% जो है, वो ही आपके पास इन दोनों फिगर्स के बीच का मार्जिन है। अगर किसी बंदे को आपने 35% का डिस्काउंट दे दिया 120 पे, ये सोच के कि मैंने तो इस पे 50% बढ़ा रखा था, तो आपका नुकसान है वहां पे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन था, दैट इज ओनली 33.33 रुपीज, सॉरी परसेंटेज, 33.33% में से आप डिस्काउंट दोगे। आप उनको 3% दे सकते हो, 15% दे सकते हो, 20% दे सकते हो, 30% भी दे सकते हो, 33.33% भी दे सकते हो, क्योंकि वो ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है इक्वल्स। लेकिन आपने 33 की जगह अगर 34% भी वहां डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को, दैट मींस कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आप उसको नेगेटिव में बेच रहे हो। क्योंकि बट ऑब्वियस ही चीज है यार, 80 पे तुमने 50% बढ़ाया, वो वैल्यू बन गई 120। डिस्काउंट मांगने वाला तुमसे 80 रुपए के ऊपर डिस्काउंट नहीं मांग रहा, वो 120 के ऊपर डिस्काउंट मांग रहा है। और परसेंट में जब तुम जाओगे 120 पे, तुमने उसको दोबारा 50% डिस्काउंट दे दिया, 60 रुपए बन गए ना सीधे। तो तुमने तो प्रोडक्ट क्या 80 रुपए का खरीद के 60 रुपए का बेचोगे, नहीं ना। तो इस वजह से ही दोनों चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि आपने मार्कअप कितना किया और आपके पास मार्जिन कितना बचा। तो
तो आई होप ये फंडा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो जब भी कोई प्राइसिंग कैलकुलेट करो तो एक्सेल के अंदर दो शीट्स या सॉरी दो कॉलम्स बना लो अपने, एक कॉलम बना लो मार्कअप का, एक कॉलम बना लो मार्जिन का, जिसके अंदर तुम्हें ये पता रहेगा कि मेरे को अगर 35% मार्जिन कमाना है तो मेरे को उस प्रोडक्ट की वैल्यू पे कितना मार्कअप करना पड़ेगा। जो भी आपको 100 रुपए की चीज आती है, अगर उसको आपको 35% मार्जिन कमाना है तो आपको 135 की नहीं बेचनी, वो आपको 153 की बेचनी है, 154 की बेचनी है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि 154 में से जब आप 35% जब आप लेस कर दोगे तो वो 100 रुपए ही बचेंगे। थोड़ा सा घुमाने वाला सा तरीका है, वीडियो को बार बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए, बट हमेशा ही ये दो चीज़ें कैलकुलेट करो, मार्कअप और मार्जिन, दोनों ही परसेंटेजेस हैं। मार्जिन कैलकुलेट होता है आपकी सेलिंग प्राइस पे, कभी भी मार्जिन जो है वो आपकी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होता, कॉस्ट प्राइस पे जो कैलकुलेट होता है वो है आपका मार्कअप। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं अपने प्राइस कैलकुलेटर की तरफ जो मैंने बनाया था। आज के लिए चलो इतना ही, अब प्राइस कैलकुलेटर वाली स्टोरी कल। बाय बाय, टेक केयर।